मोहनपुर हरिजन बस्ती कृष्णानगर सहित अन्य स्थानों पर शुक्रवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान ये जन समस्याओं से अवगत हुए। जनसंपर्क के दौरान विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कुशल नेतृत्व में हो रहे विकास कार्य एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को प्राप्त हो रहे लाभ, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान के तहत 5 लाख मुफ्त इलाज की सुविधा, 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज, किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया गया। साथ ही हेमंत सरकार की तानाशाही रवैया सहित विगत विधानसभा चुनाव में युवाओं को प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देने या बेरोजगारी भत्ता देने, अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने, पारा शिक्षकों को वेतन देने सहित अन्य झूठी घोषणाओं से अवगत कराया गया। श्री सिंह ने बताया कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जनता काफी उत्साहित देखी गई। मोहनपुर हरिजन बस्ती में अवस्थित बजरंगबली मंदिर के पास लाइट की व्यवस्था नहीं रहने के कारण पेपर लाइट लगाने से नगर निगम से बात की जाएगी एवं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उन्हें प्रज्ञा केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराकर सूची की मांग की गई ताकि राशन कार्ड के बाद उन्हें आयुष्मान कार्ड बनाया जा सके। मौके पर मोहन दास, मुन्ना दास, रिंकू कुमार दास, सत्य नारायण सिंह, रघुनंदन राय, प्रमोद त्रिपाठी, अजय तिवारी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। आज सवेरे हम लोग गिरिडीह विधानसभा के वार्ड संख्या 5 मोहनपुर हरिजन बस्ती में हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। इस क्रम में जो है यहाँ मोहनदास जी हैं, दिलीप दास जी हैं, मुन्ना दास जी हैं और अन्य लोग भी हैं, सबसे संपर्क कर रहे हैं। यहाँ लोगों ने एक मांग किया, यहाँ बजरंगबली का मंदिर है और एक पेपर लाइट की आवश्यकता है तथा कुछ लोगों का जो है यहाँ राशन कार्ड नहीं मिला है जिसके चलते आयुष्मान कार्ड भी नहीं हुआ है। तो इन लोगों से हमने कहा कि आवेदन आप दीजिए, हम नगर निगम से बात करेंगे और जो है राशन कार्ड का आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए प्रज्ञा केंद्र में, उसको दीजिए, उसको कराने का प्रयास किया जाए।